नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू की सीरीज पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट राइटर होमी के बाबा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, होमी के बाबा वॉज बॉर्न इन, ऑप्शन है आपके पास 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। राइट आंसर है आपका सी 1949। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज होमी के बाबाज फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ऑप्शन है आपके पास ए पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड थियरी, बी कल्चरल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी, सी फिलोसॉफी एंड एथिक्स, डी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो राइट आंसर है आपका ए पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड थियरी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय होमी के बाबा, ऑप्शन है आपके पास ए ओरिएंटलिज्म, बी द लोकेशन ऑफ कल्चर, सी द व्रेचर ऑफ द अर्थ, डी कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। राइट आंसर है आपका बी द लोकेशन ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द कंसेप्ट दैट बाबा इज मोस्ट नोन फॉर, ऑप्शन है आपके पास ए हाइब्रिडिटी, बी एम्बिवेलेंस, सी मिमिक्री, डी कल्चरल रिलेटिविज्म। राइट आंसर है आपका ए हाइब्रिडिटी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की थीम इन बॉबी होमी के बाबास वर्क, ऑप्शन है आपके पास ए नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, बी ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, सी कॉलोनियलिज्म एंड रेजिस्टेंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट दैट बाबा यूजेस टू डिस्क्राइब द ब्लरिंग ऑफ कल्चरल बाउंड्रीज, ऑप्शन है आपके पास ए हाइब्रिडिटी, बी ट्रांस कल्चरलाइजेशन, सी इंटरकल्चरलिज्म, डी मल्टीकल्चरलिज्म। तो राइट आंसर है आपका ए हाइब्रिडिटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाबास राइटिंग स्टाइल, ऑप्शन है आपके पास ए क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज, बी कॉम्प्लेक्स एंड डेंस लैंग्वेज, सी एक्सेसिबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, डी सिंपल एंड सिंपलिस्टिक लैंग्वेज। तो राइट आंसर है आपका बी कॉम्प्लेक्स एंड डेंस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट बाबा यूजेस टू डिस्क्राइब द एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज, ऑप्शन है आपके पास ए एम्बिवेलेंस, बी हाइब्रिडिटी, सी मिमिक्री, डी रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर है आपका ए एम्बिवेलेंस। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज इन्फ्लुएंस बाबास वर्क, ऑप्शन है आपके पास ए मिशेल फूको, बी जैक्स डेरिडा, सी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट दैट बाबा यूजेस टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड नेगोशिएशन, ऑप्शन है आपके पास ए हाइब्रिडिटी, बी ट्रांसकल्चरेशन, सी कल्चरल ट्रांसलेशन, डी इंटरकल्चरल डायलॉग। तो राइट आंसर है आपका सी कल्चरल ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन बाबास थियरी ऑफ हाइब्रिडिटी, ऑप्शन है आपके पास ए कल्चरल प्यूरिटी, बी कल्चरल ऑथेंटिसिटी, सी कल्चरल एम्बिवेलेंस, डी कल्चरल इन बिटवीननेस। राइट आंसर है डी कल्चरल इन बिटवीननेस। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक इन विच बाबा क्रिटिसाइज नोशन ऑफ कल्चरल एसेंशियलिज्म, ऑप्शन है आपके पास ए द लोकेशन ऑफ कल्चर, बी नेशन एंड नरेशन, सी द पोस्ट कॉलोनियल एक्सोटिक, डी कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। तो राइट आंसर है आपका ए द लोकेशन ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम इन बाबास वर्क ऑन ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन है आपके पास ए कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बी कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन, सी कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, डी कल्चरल फ्रेगमेंटेशन।
राइट आंसर है आपका सी, कल्चरल हाइब्रिडेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट बाबा यूजेस टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन एंड एक्सचेंज। ऑप्शन है आपके पास ए हाइब्रिडिटी, बी मिमिक्री, सी इंटरकल्चरलिज्म, डी ट्रांसकल्चरेशन। तो राइट आंसर है आपका डी ट्रांसकल्चरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बाबास वर्क। ऑप्शन है आपके पास ए जुडिथ बटलर, बी स्टुअर्ट हॉल, सी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट बाबा यूजेस टू डिस्क्राइब द एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पावर। ए एम्बिवेलेंस, बी हाइब्रिडिटी, सी रेजिस्टेंस, डी सबॉल्टेनिटी। तो राइट आंसर है आपका ए एम्बिवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन बाबास थियरी ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ए एसेंशियलिज्म, बी कंस्ट्रक्टिविज्म, सी हाइब्रिडिटी, डी परफॉर्मेटिविटी। राइट आंसर है सी हाइब्रिडिटी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक इन विच बाबा एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड नेशनहुड। ऑप्शन है आपके पास ए नेशन एंड नरेशन, बी द लोकेशन ऑफ कल्चर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। जो आइडिया है वो नेशन एंड नरेशन एंड द लोकेशन ऑफ कल्चर में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द ईयर 2012 बाबा वॉज अवॉर्डेड ब्लैंक बाय इंडियन गवर्नमेंट। ऑप्शन है आपके पास ए साहित्य अकेडमी अवार्ड, बी पद्मश्री, श्री पद्म भूषण, डी पद्म विभूषण। तो राइट आंसर है आपका सी पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 20, थर्ड स्पेस इज एन आइडिया डेवलप्ड बाय। ऑप्शन है आपके पास ए होमी के बाबा, बी एडवर्ड डब्ल्यू सोजा, सी एडवर्ड डब्ल्यू शहीद, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका बी एडवर्ड डब्ल्यू सोजा, जिन्होंने थर्ड स्पेस का आइडिया दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार नेट पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, कल्चर एंड नेशन का कॉन्सेप्ट है, कल्चरल थियरी का जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड स्पेस है, एक क्वेश्चन है वो बार बार नेट के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।